मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग तंत्र सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कार्य में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 7 अक्टूबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत संशोधन, आयन दक्षिण, ऋतु वर्षा, मास भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज के अष्टमी तिथि है। सुबह 8:09 के बाद नौमी तिथि शुरू होगी। वार दोस्तों शनिचर है। नक्षत्र दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र है। मिडनाइट 11:57 के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों शिव योग है। कल सुबह 6:02 के बाद सिद्ध योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। सुबह 8:09 के बाद तैतिल करण शुरू होगा और रात 9:08 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति जो है सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कन्या राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। सूरज बंबई क्षेत्र में, सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:32 पर होगा और निगमन जो है शाम को 6:21 पर होगा दोस्तों। दोस्तों इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ते हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल के पंखुड़ी भी लिए दोस्तों और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रे प्रवर्तमान सिद्ध भ्रमण द्वितीय पराधे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग् भागे महाराष्ट्र देशे व्यवहार के चांदवाणी शालिवान शको 1945 प्रभावती षष्ठी सहस्रो नवे शोभन नाम सोत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतु भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे शनिचर वासरे पुनर्वसु नक्षत्र शिव योगे कौलो करणे अष्टमी शोभित वीर गोत्र में उत्पन्न मय कटप्पा मोहपात दुरी तक्षय द्वादशी पार्वतीपति परमेश्वर तीर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करीष्य एवं इष्टलिंग पूजा। दोस्तों यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के अतिरिक्त जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:09 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा ले नया संकल्प बनाए दोस्तों। दोस्तों अब हम मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें दोस्तों मुहूर्त में किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त नहीं है क्योंकि महालय श्राद्ध कर्म शुरू है दोस्तों। महालय पर्व शुरू है। पितरों का श्राद्ध कर्म का अध्ययन 17 दिन का जो पर्व होता है शुरू है दोस्तों। इसके दौरान कोई भी शुभ या तथा मंगल कार्य नहीं किया जाता है। इसके लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों। और ऐसे समय में दोस्तों अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे, लाभ उठा पाओगे दोस्तों।
दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों अविधवा नवमी है। ये अविधवा नवमी जो होती है वो सुहागन स्त्री जो अपने कुटुंब में कोई जाती है या गोत्र में जाती है तो आपको उसके नाम से एक सवाश्लोक स्वजाति की बुलाकर उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसे अन्न वस्त्र वगैरह यथाशक्ति प्रदान करना चाहिए दोस्तों। और अगर स्वजाति के नहीं मिलते हैं तो ब्राह्मण देवता भी आप बुला सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं, सुहागन स्त्री। और नवमी श्राद्ध भी है। नवमी श्राद्ध मतलब इस तिथि पर अगर हमारे कोई पूर्वज हमें छोड़कर निकल गए हैं तो उन्हें भी उनके नाम से हमें श्राद्ध कर्म करना है। अपराह्न काल में पंडित के माध्यम से पिंडदान युक्त ऐसा घर पर विधिवत करना है दोस्तों, तब जाके हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा दोस्तों। दोस्तों सुबह 8:09 के बाद दग्ध युग शुरू हुआ हुआ हो रहा है। इस काल में अगर कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसकी शांति 12वें दिन करनी पड़ती है दोस्तों। अगर आप इस समय नहीं करेंगे तो आगे चलकर उसे प्रॉब्लम हो सकता है, फिर मुहूर्त निकालना पड़ता है दोस्तों। शांति के लिए शांति करनी बहुत जरूरी होती है, इसके लिए आप यह कर्मकांड जरूर करें दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों, इसलिए आप कोई नया अगर यह नया कर्मकांड करना चाहते हो तो अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। ले और जो जुना है वो तो रेगुलर आप करेंगे ही दोस्तों, नया भी आगे चलकर कोई बन ना हो जाए इसका भी ध्यान आपको रखना है दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है तो उसे रोको, उसे और कोई समय पूरा करो ताकि राहु काल से निकलकर राहु के प्रभाव से निकलकर आपका काम यशस्वी हो जाए दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, भगवान तक जल्द पहुंचती है। भगवान हमें अपना पूजा का फल प्रदान करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कॉमेंट्स बॉक्स में आप अपना कॉमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें दोस्तों। हरिओम, शिव शंभो।